वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी पांच बातें जो हमें आने वाली रॉ के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं। रॉ मतलब जो 8 अक्टूबर को होगी, लेकिन हम वो देख सकते हैं सुबह 9 अक्टूबर को। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी रॉयल्टी का पेपर यू सुपर छोड़न होके हटा है, हमें इसी के रिलेटेड काफ़ी बातें देखने को मिलेंगी इस रॉ में। तो सबसे पहली बात जो हमें देखने को मिल सकती है वो है जॉन सीना का रिटर्न। यहाँ ये रॉयल्टी खुद एडवर्टाइज कर रही है कि हमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिल सकता है आने वाली रॉ के एपिसोड में। और रॉयल्टी ने एडवर्टाइज किया है कि रॉयल्टी अपनी ऑफिशियल साइट पर जॉन सीना और बॉबी लैशली की टीम प्रमोट कर रही है। तो इस प्रमोशन से ये साफ हो जाता है कि मे बी हमें जॉन सीना का रिटर्न अगली रॉ में देखने को मिले। और जैसे रॉयल्टी प्रमोट कर रही है बॉबी लैशली के पार्टनर के साथ, तो शायद जॉन सीना भी रिटर्न कर सकते हैं एज ए बॉबी लैशली के पार्टनर बनकर, जिस तरह से रॉयल्टी एडवर्टाइज कर रही है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो हमें इस रॉ में ये देखने को मिल जाएगा कि कौन फेस करेगा राउंड रोजी को एवोल्यूशन पेपर व्यू में। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि रॉयल्टी ऑर्गेनाइज कर रही है ऑल वुमेंस पेपर व्यू जिसका नाम है एवोल्यूशन। हमें इस पेपर व्यू में राउंड रोजी का ओपोनेंट देखने को मिल जाएगा कि कौन होगा, और वो ओपोनेंट रवील होता दिखाई देगा इस रॉ में। और ये ओपोनेंट पॉसिबली हो सकते हैं निक्की बेला या नटालिया, क्योंकि ये दो नाम रूमर्ड हैं जो फेस कर सकते हैं राउंड रोजी को एवोल्यूशन पेपर व्यू में। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और बात एडवर्टाइज कर रही है, और वो है कि क्या हमें द शील्ड और डॉग्स ऑफ वॉर के बीच एक न्यू ब्रॉथ देखने को मिलेगी इस रॉ में। जी ये चीज एडवर्टाइज कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुताबिक हमें इसी रॉ में इन्हीं 6 सुपरस्टार के बीच एक मैच या कोई ब्रॉथ देखने को मिल सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद एडवर्टाइज कर दिए हैं ये 6 नाम। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि हमें इन्हीं 6 सुपरस्टार्स के बीच कुछ बड़ा देखने को मिलेगा इस रॉ में। डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर एक चीज और एडवर्टाइज कर रही है इसी के रिलेटेड, वो ये है कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर शील्ड। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा नहीं लिखा, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिखा है व्हाट इज नेक्स्ट फॉर डीन एम्ब्रोस, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर रोमन रिंग्स, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर सेथ रॉलिंस। जी हाँ, इन्हीं तीनों के नाम अलग अलग डाले हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या कुछ देखने को मिल सकता है हमें द शील्ड के साथ इस रॉ में। पर लेकिन जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही है द शील्ड को, हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इस रॉ में। तो बात करते हैं चौथे नंबर की, जैसे कि हमें पता है कि एक टीम के बारे में, और यह टीम है बॉबी रूड और चैट गेबल की। तो हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच की मिसकंसेप्शन देखने को मिल सकती है इस रॉ में, और इसके कारण इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मतभेद खड़े होंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच किसी एक सुपरस्टार का हील टर्न देखने को मिलने वाला है, और वो भी जल्द ही। तो हमें वो हील टर्न के रिलेटेड स्टोरीलाइन शुरू होती हुई दिखाई दे जाएगी इस रॉ में। और हमें इस रॉ में AOP मतलब ऑथर्स ऑफ पेन का भी बड़ा रोल देखने को मिल सकता है। शायद ये बड़ा रोल रो टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हो सकता है। तो बात करते हैं पांचवें नंबर की, जैसे कि हमें पता है कि सुपर शोडाउन में ट्रिपल एच ने बीट कर दिया दी अंडरटेकर को, और जो इस मैच के बाद हुआ वो काफ़ी शॉकिंग था। तो हमें इस मैच के एंड में दी अंडरटेकर का हील टर्न देखने को मिल गया, और उन्होंने अटैक किया ट्रिपल एच और शॉन माइकल के ऊपर। तो इस रॉ में हमें दी अंडरटेकर की अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर वो एड्रेस कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को कि उन्होंने क्यों किया है ऐसा। और हमें इसी बीच एक मैच कन्फर्म होता दिखाई दे, और ये मैच होगा DX वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। जी हाँ, ये मैच को बहुत ही रूमर चल रहा है कि हमें ये मैच क्राउन ज्वेल के पेपर व्यू में देखने को मिलेगा। तो पॉसिबली हमें इस मैच की कन्फर्मेशन इस रॉ में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि दी अंडरटेकर क्या बोलते हैं कि उन्होंने क्यों किया ऐसा, कि उन्होंने क्यों अटैक किया ट्रिपल एच और शॉन माइकल को, कि उन्होंने क्यों हील टर्न किया। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बताइए कि क्या आपको लगता है कि जॉन सीना का रिटर्न हमें इस रॉ में देखने को मिलेगा या नहीं। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी तो लाइक करें, और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें।